हेलो एवरीवन, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं सिंपेक्स के इस वायरलेस माइक का। इसका मॉडल नंबर है M15 एंड ये USB-C टाइप में आता है। तो सबसे पहले इसके बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो हमें ये प्लग इन प्ले रिसीवर मिलता है, देन इसके साथ एक ट्रांसमीटर मिलता है जो हमारे कॉलर वगैरह पे लगेगा, प्लस यहाँ पे आपको एक केबल मिलती है जिससे आप अपना ये माइक चार्ज कर सकते हैं। एंड सबसे नीचे इसके अंदर मैनुअल दी गई है जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल से पैकेज में आता है जो आप अपने कैमरा बैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं। ये वैसे तो मैंने ऑफलाइन लिया था, तो ये मेरे को 1950 का मिला था। ऑनलाइन ये अभी इस टाइम पे 1840 का दिखा रहा है, बट प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की। सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को इसका लगता है नॉइस कैंसिलेशन। जो भी ऑडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इवन दो मैं अपने स्टूडियो में AC एंड फैन चला के रखता हूँ, तो भी इसमें नॉइज बहुत ही कम आती है, तो नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छा है इसका। सेकंड पॉइंट है इसका कनेक्टिविटी। विद इन 30 सेकंड से कनेक्ट हो जाता है बटन प्रेस करने के बाद अपने रिसीवर से। थर्ड है इसका बैटरी लाइफ। मैं बहुत कम देर के लिए इसे चार्ज करता हूँ, आराम से मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है कम्प्लीट। बैटरी बैकअप अच्छा देता है ये माइक। फोर्थ बेनिफिट है इसका प्राइस। आई थिंक 1950 में वायरलेस माइक कम ही आते हैं, यूजुअली 2000 से कम में वायर्ड माइक ज्यादा आते हैं। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एंड अगर आप अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो काफी अच्छा माइक है आपके लिए। तो इसकी कनेक्टिविटी का डिस्टेंस है, जैसा कि बॉक्स में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20 मीटर्स दिया गया है, विच इज क्वाइट सफिशियंट। इस बजट में इससे और तो क्या ही मिलेगा। एंड सिक्स पॉइंट इसका जो मेरे को बेस्ट लगता है कि आप जो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप रिसीवर लगा के भी वो ऑडियो सुन सकते हैं। अदरवाइज कई माइक में ऐसा होता है कि आपको पहले रिसीवर हटाना पड़ता है अपने जैक से, देन उसके बाद ही आप अपना ऑडियो या वीडियो रिव्यू कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कॉन्स, मुझे इसमें सबसे बड़ा इशू लगता है इसके डेसिबल लेवल्स का। जब भी मैं ऑडियो को एडिट करने बैठता हूँ तो प्रीमियर प्रो में, तो मेरे को इसका ऑडियो लेवल अराउंड 10 डेसिबल्स बढ़ाना पड़ता है। मे बी ये इसके अच्छे नॉइस कैंसिलेशन की वजह से है कि इसका ऑडियो काफी दबा दबा आता है, तो वो मेरे को ट्वीक करना पड़ता है। सेकंड है इसकी ऑडियो फ्लक्चुएशंस। कई बार जैसे मैं अगर कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वो डेसिबल लेवल्स काफी लो चले जाते हैं, तो ऑडियो एकदम मेंटेन नहीं रहता उसमें, वो फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा आती है जो मेरे इस लावालियर माइक में बिल्कुल भी नहीं आती। ओवरऑल मैं अगर इस पूरे माइक की बात करूँ, अगर आपका बजट कम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वायर्ड माइक लिए, जैसे मैंने ये ले रखा है। अगर आपका काम दूर से रिकॉर्ड करना है जिसमें आपको वायरलेस माइक चाहिए ही चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप अपना बजट 4,000 से 5,000 के बीच में ले जाइए, जिसमें एक आपको अच्छी क्वालिटी का वायरलेस माइक मिलेगा। ऑल्दो मैंने ये ले लिया, बट मुझे नहीं लगता आपको इस माइक पे पैसे वेस्ट करने चाहिए। अदरवाइज वायर्ड माइक इज मोर देन इनफ। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।